अथ स्कंद पुराणोक्त गंगा स्तोत्रम् ब्रह्मोवाचो नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः नमस्ते रुद्र रूपिण्यै शांकर्यै ते नमो नमः नमस्ते विश्व रूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषकश्रेष्ठै नमोस्तुते स्थाणुजंगम संभूतो विषहंत्र्यै नमो नमः भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमो नमः मंदाकिन्यै नमस्तेस्तु स्वर्गदायै नमः सदा नमस्त्रैलोक्यभूषायै जगद्धात्र्यै नमो नमः नमस्त्र शुक्ल संस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः नन्दायै लिंगधारिण्यै नारायण्यै नमो नमः नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः बृहत्यै ते नमस्तेस्तु लोकधात्र्यै नमो नमः नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः पृथिव्यै शिवामृतायै च सुवृषायै नमो नमः शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः उस्रायै सुखदोग्ध्यै च संजीविन्यै नमो नमः ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितज्ञै नमो नमः प्रणतार्तिप्रभञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमो नमः सर्वापत्प्रतिपक्षायै मंगलायै नमो नमः शरणागत दीनार्तो परित्राण पराजने सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते निर्लेपायै दुर्गहंत्र्यै दक्षायै ते नमो नमः परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा गंगे ममाग्रतो भूया गंगे मे देवि पृष्ठतः गंगे मे पार्श्वयो रेहि त्वयि गंगेस्तु मे स्थितिः आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वं त्वं गाङ्गते शिवे त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः गंगे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे ययिदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोऽपि यः शृणुयात् श्रद्धया युक्तः कायवाक्चित्तसंभवैः दशधा संस्थितैर्दोषैः सर्वैरेव प्रमुच्यते सर्वान् कामानवाप्नोति प्रीत्य ब्रह्मणि लीयते ज्येष्ठे मासिसिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता तस्यां दशम्यामे तच्च स्तोत्रं गंगाजले स्थितः या पठेत् दशकृतवस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः सोऽपि तत्फलमाप्नोति गंगां सम्पूज्य यत्नतः अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतं पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् परद्रव्येषु विध्यानं मनसा निष्ठचिन्तनं वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम् एतानि दशपापानि हरत्वं मम जाह्नवी दशपापहरा यस्मात् तस्मात् दशहरा स्मृता त्रयस्त्रिंशच्छतं पूर्वान् पितॄनथ पितामहान् उद्धरत्येव संसारान् मन्त्रेणानेन पूजिता नमो भगवत्यै दशपापहरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नन्दिन्यै ते नमो नमः सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करधृतकलशोद्यत्सोत्पलामत्यभीष्टां विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटीरजुष्टां कलितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपात्रे जलं पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनं भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिर्जह्नोर्महर्षेरियं देवी कल्मषनाशिनी भगवती
भागीरथी दृश्यते गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगक्षति। ब्रह्मा जी कहते हैं, कल्याण स्वरूपिणी, कल्याण देने वाली हे गंगा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शांकरी, आपको नमस्कार है। विष्णु रूपिणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार है। सर्वदेव स्वरूपिणी और औषध मूर्ति, आपको नमस्कार है। सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ औषध वाली, आपको नमस्कार है। स्थावर जंगम से उत्पन्न विष को मारने वाली, आपको नमस्कार है। भोग उपभोग को देने वाली और भोग वाली, आपको नमस्कार है। मंदाकिनी, आपको नमस्कार है। स्वर्ग देने वाली, आपको प्रणाम है। तीनों लोक के भूषण वाली, आपको नमस्कार है। संसार को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। त्रिशुक्ल संस्था, आपको नमस्कार है। तेज वाली, आपको नमस्कार है। लिंग धारिणी नंदा, आपको नमस्कार है। नारायणी, आपको नमस्कार है। विश्व में मुख्या, आपको नमस्कार है। रेवती रूपिणी, आपको नमस्कार है। वृत्त रूपिणी, आपको नमस्कार है। भुवन रूपिणी, आपको नमस्कार है। विश्वमित्रा, आपको नमस्कार है। नंदिनी, आपको नमस्कार है। पृथ्वी रूपिणी, आपको नमस्कार है। कल्याण अमृत रूपिणी, आपको नमस्कार है। सुंदर वृष वाली, आपको नमस्कार है। शांता अति श्रेष्ठा वर देने वाली, आपको नमस्कार है। सुख को दुहने वाली संजीवनी अर्थात सबको जिलाने वाली, आपको नमस्कार है। ब्रह्म में निष्ठा वाली, वेद देने वाली और पाप का नाश करने वाली, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के कष्ट को हटाने वाली संसार की माता, आपको नमस्कार है। सबकी आपत्ति को नाश करने वाली मंगल स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दुखी जनों के रक्षा में श्रेष्ठ सबके कष्ट को हरने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। पाप पुण्य रहित रूप वाली दुर्गत को हनन करने वाली कुशल रूपिणी, आपको नमस्कार है। सदा मोक्ष देने वाली पर से भी परतरा, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे रहें, मेरे पीछे रहें, मेरे दाहिने एवं बाएं रहें तथा आप ही में मैं रहूं, आदि मध्य और अंत में पृथ्वी पर आने वाली आप ही हैं। आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही श्रेष्ठ नारायण हैं। हे गंगे, आप ही परमात्मा और शंकर हैं, आपको नमस्कार है। जो पुरुष इस स्तोत्र को प्रतिदिन भक्त पूर्वक पढ़ता है, श्रद्धा युक्त शरीर वाणी और मन से सुनता है, वह 10 प्रकार के दोषों से पापों से छूट जाता है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मरने पर वह ब्रह्मलीन हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त दशमी में गंगा जल में खड़े होकर इस स्तोत्र को जो 10 बार पढ़ता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ हो, वह भी यत्न पूर्वक गंगा का पूजन कर उसका फल पाता है। नहीं दी हुई वस्तु का ग्रहण, अशास्त्रीय विधान रहित हिंसा और पर स्त्री गमन, ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, सब प्रकार की चुगली बकवाद करना, ये 4 प्रकार के वाणी के पाप हैं। दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा से ध्यान करना, किसी की बुराई सोचना, झूठा आग्रह, या 3 प्रकार का मानस पाप है। हे जन्मसुते गंगे, इन मेरे 10 पापों का आप हरण करें। 3300 पहले के पितृ पितामह गणों की इस मंत्र से पूजा करने पर आप संसार से उद्धार करती हैं। 10 पापों का हरण करने वाली भगवती नारायणी, रेवती, शिव, दक्षा, अमृता, विश्वरूपिणी, नंदिनी, गंगा जी को नमस्कार है। सफेद घड़ियाल पर बैठी हुई शुभ्र वर्ण 3 नेत्रों वाली कमल के सहित कलश को हाथ में धारण करने वाली ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूपिणी, करोड़ों चंद्रमाओं से युक्त श्वेत वस्त्र धारण करने वाली जन्मसुता गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आदि में आदि पितामह के वेद व्यापार पात्र में जल स्वरूपिणी, पश्चात शेषशायी भगवान के पवित्र पादोदक रूप, फिर शंकर की जटा को भूषित करने वाली मणिरूप और महर्षि जन्म की पापनाशिनी या भगवती भागीरथी दिखती हैं।
जो मनुष्य 100 योजन के दूर से भी गंगा गंगा ऐसा कहता है वह सभी पापों से छूट जाता है तथा विष्णुलोक जाता है। इस स्तोत्र से स्तुत करके होम के अंत में प्रतिमा की उत्तर पूजा करके विसर्जन करके मूल मंत्र से आचार्य को प्रदान करना चाहिए। इस तरह से आप सभी ने गंगा स्तोत्र के पाठ का श्रवण किया, उसके अर्थ को समझा। माँ भगवती जाह्नवी गंगा सबका कल्याण करें, सबके पापों का हरण करें। नमस्कार। जय विश्वनाथ।